24 मार्च 2020 को झूलेलाल जयंती भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी है। आपको बता देंगे मेरे साथ में झूलेलाल सेवा समिति के कोषाध्यक्ष हैं योगेश रखवानी साहब, उनसे जानेंगे किस तरह के झूलेलाल जयंती की जो झांकियां हैं वो कहां कहां होकर भ्रमण करेंगी, कितनी झांकियां होंगी और कितने लोग इसमें शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी है झूलेलाल जयंती की रखवानी साहब जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी सिंधी समाज ने अभी से कमर कस ली है। आगामी आने वाले 24 और 25 तारीख को हमारे सिंधी समाज का 2 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें 24 तारीख को हमारी भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें 50 झांकियों का अनुमान है। 50 से अधिक हमारी झांकियां निकलेंगी और इसके अलावा ऊँट घोड़े ढोल नगाड़ों के साथ पहले उनका आगे चलेंगे, उसके बाद जो है हमारी शोभा यात्राएँ निकलेंगी। और अभी सिंधी समाज ने इसके लिए कमर कस ली है, जगह जगह नगर पंचायतों ने अपनी झांकियों के लिए अभी से ही जो है अपना एक उत्साह का माहौल है जिसमें अपनी झांकियों के बारे में, और इन सब झांकियों का जो समापन होता है अपने हाथीघाट पर होता है। हाथीघाट में एक विशाल मेले के रूप में एक सिंधु नगरी सजाई जाती है, जिसमें सभी झांकियां आके वहीं अपना समापन करती हैं। इसके बाद हमारी वहां पर जय झूलेलाल सेवा समिति की तरफ से एक विशाल नगर पंचायतों की जो झांकियां आएंगी उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, जो अपना वहां झांकियों का समापन करके हमारे भोजन कार्यक्रम में उपस्थित होंगी। हमारे समिति में हमारे अध्यक्ष अमृतलाल मखीजा जी हैं और महामंत्री हमारे किशोर बुदरानी जी हैं, हमारे समिति के साथ श्री कमल छाबड़िया जी भी हैं और मीडिया प्रभारी हमारे मेघराज जालानी जी हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अपने आपस में एक संगठित होकर एक समाज के लिए सिंधी समाज के लिए एक प्रेरणादायी काम करने के लिए हमने पहल उठाई है और विशाल रूप से हमारा एक कार्यक्रम है। मैं आम जनमानस से कहूँगा कि जो इस तरीके से प्रेरणा लेकर अपने समाज को आगे बढ़ाएं और कार्यक्रम करें। एक सवाल मेरा ये भी है कि लोग अपने अपने तरीके से CAA का समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ झूलेलाल जयंती के माध्यम से उन झांकियों के माध्यम से आप कुछ एक आध झांकी ऐसी भी डालेंगे कि CAA का समर्थन कर रही हो? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, नगर पंचायतों का अपना एक जो है झांकियों का अपना अपना स्वरूप होगा, जिसमें मैं समझता हूँ कोई एक झांकी ऐसी भी हमारी एक नगर पंचायत सजा रही है जो कि CAA का एक उदाहरण दे। और CAA को लेकर देखिए, हम लोगों की आपस में एक मीटिंग भी हो चुकी है जिसमें हमारा समाज पूर्णतः CAA के समर्थन में है और सरकार के इस पहल की जो उन्होंने अपना ये CAA का घोषणा की है तब से लेके पूरा समर्थन में है, और यही आगे जो समाज इस बात को नहीं समझ पा रहा है उनसे इस बात को कहेगा कि CAA को समझें, CAA का समर्थन करें, CAA हमारे हित में है। और एक सवाल मेरा ये भी है, तमाम लोगों को बरगलाया जा रहा है, तमाम अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी मालूम पड़ रहा है कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को पैसे देकर प्रोटेस्ट में भेजा जा रहा है। लेटेस्ट वीडियो देखने में आया है जहाँ एक अलीगढ़ से है वो वीडियो, जो मुल्ला जी कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि आपको रोज़ाना प्रोटेस्ट में जाना है, और वो साफ दरोगा जी के सामने, दरोगा जी निवेदन कर रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगी, तो वो मुल्ला जी जो उनके पति हैं उनकी पोल खोलती हुई नज़र आ रही हैं, तो कैसा कल्चर देख रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है? देखिए, ये सब जो है कार्य जो हो रहा है, इस तरह का माहौल है, ये सब देश के विपक्षी दलों का है और कुछ अराजक तत्व हैं जो देश में शांति का माहौल नहीं चाह रहे हैं। तो मैं तो सरकार से यही अपील करूँगा कि CAA के लिए एक अवेयरनेस नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, स्कूल कॉलेजों के माध्यम से, अपनी जो छोटी छोटी पंचायतों में जो गोष्ठी होती है उस माध्यम से एक अशिक्षित समाज को जागरूक करें कि CAA को समझें, CAA का समर्थन करें। देखिए, जितना समाज शिक्षित होगा जो समझेगा कि वाकई में ये जो CAA को लेकर लालच कहीं ना कहीं रहता है, तो अब पैसे का लालच देकर तो आप क्या नहीं करा सकते हैं एक CAA को, क्या अगर देश का माहौल बिगाड़ना हो किसी भी तरीके से तो आप पैसे देके कुछ भी करा सकते हैं। तो बिगाड़ा गया है, क्या मानते हैं कि ऐसे ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं असामाजिक लोग हैं पैसे देकर इस तरह का माहौल? सही बात है, इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो देश में शांति नहीं चाहते हैं,
उसके लिए सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि कठोर कदम उठाए, उनकी धरपकड़ करे, जो समाज को इस तरीके से बरगला रहे हैं उनको पकड़ के अपना नज़रबंद करें कि भाई इस तरीके से आप कर रहे हैं ये गलत है। शुक्रिया आर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए, धन्यवाद। तो योगेश रखवानी साहब थे मेरे साथ में। आपको बता दें कि 24 मार्च को झूलेलाल जयंती निकलनी है, भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, तमाम झांकियां निकलेंगी। CAA के समर्थन में भी झांकी कहीं ना कहीं झूलेलाल जयंती के जो समिति के लोग हैं वो CAA के समर्थन में भी झांकियां निकालेंगे, ऐसा प्रस्ताव इन्होंने पास कर रखा है। और जिस तरह से लोगों को CAA के समर्थन में कहीं ना कहीं विरोध में जिस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का माहौल खराब हो रहा है। योगेश रखवानी साहब ने यही कहा है कि इस तरह से लोग कोशिश ना करें, बिल्कुल भ्रमित ना हो और देश के हित में सोचें, क्योंकि CAA देश के हित में लिया गया फैसला है। कैमरे के पीछे योगेश बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। मैं ललित गेलानी, विजय प्लास्टिक हिंग की मंडी आगरा। सभी देशवासियों को और शहरवासियों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये मनोकामना करता हूं कि सभी शहरवासियों का होली का ये रंगों का त्यौहार खूब अच्छे से व्यतीत हो और सब जने इस त्यौहार को अच्छे से अपने मनाएं, आपस में प्रेम भाव रखें। कलरों का रंगों का त्यौहार है, रंगों में आपस में जैसे रंग सब मिल के एकजुट हो जाते हैं, इसी तरीके से हम सबको भी एकजुट हो जाना चाहिए। ब्रजमोहन बंसल, और मैं होली पर सभी अपने आगरा शहरवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है, एक रंगों का त्यौहार है, इसमें हमारे भारत देश की संस्कृति जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है और जिसके लिए दुनिया में मशहूर है, उस संस्कृति के आधार पर ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें समरसता, भाईचारा और कला सभी का संगम होता है। इसमें बड़े बूढ़े बुजुर्ग, ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि सभी एक साथ मिलकर के इसे प्रेम से मनाया जाता है। और इसमें मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं अनूप यादव, समाजवादी पार्टी यूनियन सभा महानगर अध्यक्ष, और आगरा के समस्त शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामना बधाइयाँ देता हूँ। समस्त शहरवासियों से एक ही आह्वान करूँगा कि होली के पर्व एक ये बहुत बड़ा पर्व होता है, इस पर्व पर अपने लोग जो पुरानी रंजिशों को भूल करके जो बीच में कुछ खटास पैदा हो जाती है आपस में, उन सब को भूल करके उनके गले लगते हैं, गले लगने के बाद अपनी पूरी ईर्ष्या को दूर करते हैं और फिर प्रेम और भाईचारे का रिश्ता कायम करते हैं। मगर समस्त शहरवासियों से एक चेतावनी जरूर दूंगा कि आजकल जो कलर आ रहे हैं और जिस तरीके से कलरों में केमिकल्स लगे हुए हैं उनसे शरीर पर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, इससे बचने का काम करें और अपने पूरे परिवार को साथ रख करके होली का आनंद लें। और समस्त परिवार को, समस्त शहरवासियों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां होली की, धन्यवाद।